और हम लोगों ने लगातार पूजा अर्चना भी की है कार्यक्रम सफल हेतु। और जो भी कीटाणु वायरस हैं खास करके इंडी गठबंधन के, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। और हम लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को विजयी माला पहना दिया है। यही हम लोग उन शुभकामना है कि बीजेपी 400 सीट पार करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं विक्रांत। नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और आज उनका 2:30 बजे फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर उतरेगा और भट्टाचार्य रोड से उनका रोड शो होने जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी हम भट्टाचार्य रोड के पास है जहां ये मंच बना हुआ, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। यानी यहां से होते हुए पिरमोहानी होते हुए कदमकुआ होते हुए बाकरगंज की ओर जाएंगे और फिर बाकरगंज से के आगे बढ़ते हैं उद्योग भवन के साथ साथ अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। लेकिन तस्वीर आपको दिखला रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर राजधानी जो है दुल्हन की तरह तैयार हो गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों ओर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, और सुरक्षा की अगर बात कर ले तो सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी कहा जाए कि धरती से लेकर आसमान तक पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। और आपको बता दें कि अभी जो है NSG और SPG अपने अंडर में ले चुका है इस एरिया को। देख सकते हैं तमाम जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी को लगाया गया और एक एक पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात रहेंगे और हथियार के साथ तैनात रहेंगे। साथ ही सिविल में भी पुलिस की तैनाती की गई। लेकिन देख सकते हैं कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भट्टाचार्य रोड की, और मंच देख सकते हैं कि चारों ओर हर जगह मंच बनाया गया है और उनका जो है तस्वीर भी वहाँ पे स्टैचू की तरह लगाया गया। लेकिन पहले ये देखिए बैरिकेडिंग जो किया गया है, उसके तमाम बैरिकेडिंग के पास BJP का झंडा लगा हुआ है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, क्या कहेंगे? आज नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, हम लोग ठठेरा परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। हम लोग को 20 नंबर मंच मिला है और हम लोग पूरे जोर शोर से हजारों की संख्या में ठठेरा परिवार भी आ रहा है और उनका अभिनंदन करने के लिए टोटल पूरे पटना का लोग एकजुट है। हमारा ठठेरा परिवार एकजुट है और ये ऐतिहासिक पटना का ऐतिहासिक रोड शो होगा प्रधानमंत्री जी का। और हमारे जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं और हमारे सारा टीम, हम लोग कल 12-1 बजे रात तक हम लोग सब भ्रमण किए हैं। मंच का स्थल, हम लोग को 20 नंबर मंच मिला है और उस मंच पर पूरा ठठेरा परिवार वहां पर उपस्थित होकर उनका खैर मंदन अभिनंदन करेंगे। क्या 400 इस बार पार होगी? 400 पार कर जाएगी और हम लोग पूरा ठठेरा परिवार एक गोलबंद हैं, हम लोग गोलबंद हैं। और यही हम लोग उन शुभकामना है कि BJP 400 सीट पार करेगी। तो आप देख सकते हैं कि, आपको बता दें कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं, खास करके वो पटना में रोड शो करेंगे। हालांकि आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं पिरमोहानी के पास, जहां देख सकते हैं कि अयोध्या में बने श्री राम जन्मभूमि की स्वरूप देने की यहां कोशिश की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्री राम जन्मभूमि जो अयोध्या में बना हुआ है उसका यहां तस्वीर बनाया गया और यहां स्टेज बनाया गया, मंच बनाया गया और चारों ओर भगवा कलर से जो बैरिकेडिंग की गई है वो दिखाया, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे राजधानी में जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे वहाँ वहाँ जो है पूरा भगवा रंग से उसको सजा दिया गया है। तमाम BJP के झंडे लगाए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, क्या कुछ कहेंगे? आज मोदी जी आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत पटना के पावन धरती पर हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने लगातार पूजा अर्चना भी की है कार्यक्रम सफल हेतु। और जो भी कीटाणु वायरस हैं खास करके इंडी गठबंधन के, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। और हम लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को विजयी माला पहना दिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस सभा में जाते हैं वहाँ के प्रत्याशी को जीत का माला पहनाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर को आज हम लोगों ने एक माला पहनाकर उन्हें विजयी बना दिया है कि 400 पार इस बार फिर मोदी सरकार। तो इस बार मोदी जी आ रहे हैं रोड शो, इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग भाजपा कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है, खासकर पटना के जनता में। मोटा मोटी पटना के सारे जनता भाजपा के समर्थक है, सपोर्टर है। हम लोग में आओ डबल उत्साह बढ़ गया इनके आने से। अभी आए भी नहीं है, हम लोग उत्साहित है इनके आने के इंतजार में। हम लोग भगवान से कामना किए हैं, इनका पूजा किए हैं भगवान से कि भाई इनका रोड शो सफल हो और ये ऐतिहासिक हो। हम इस कामना के साथ मतलब हम लोग उत्साहित। किस तरह से स्वागत करेंगे? हम लोग मतलब लाखों की संख्या में हम लोग रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, उनका अभिवादन करेंगे और मतलब उत्साहवर्धन करेंगे हम लोग।
क्या नाम हुआ? रवि यादव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उनके समर्थक लोग हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके लिए पूजा अर्चना भी किया, हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, फिर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस पर। फिर प्रधानमंत्री पहली बार जो है इतिहास रचाने प्रधानमंत्री जोर शोर करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या है, वो आप देख ही रहे हैं कि कितने बढ़िया से भव्य रूप से हो रहा है और रोड शो होने जा रहा है। अभी मोदी जी आ रहे हैं तो इस बार तो निश्चित है कि फिर से आएंगे मोदी जी, क्योंकि अभी से ही आप देख सकते हैं कि जो लोगों का सपोर्टेड है, दुकानें सारे बंद है, सब चीज़ लोग सपोर्ट में है, तो इस बार फिर 400 से पार मोदी सरकार। कितना मंचे यहाँ बनाई गई हैं? मंचे यहाँ करीबन लगता है कि 50 से अधिक बनाई गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है और विजय से होने का पहले ही दावा कर दिया गया, हालांकि देख सकते हैं कि यहाँ जो है LED TV लगाया गया है कि जो भी उनका कार्यक्रम होगा यहाँ के जो लोग हैं वो देख पाएंगे, और ऐसे ऐसे कई LCD TV जो है हर जगह लगाए गए हैं। और कैमरे की बात कर ले तो चप्पे चप्पे पे कैमरे की नज़र है। हालांकि 2:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उसके बाद जो है उनका काफिला 4:30 बजे से रोड शो का कार्यक्रम शुरू होगा। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR, पटना।